सुना भाई। ए कहां जा, अरे रुक, कहां जा रहा है? करवा ले तुमने ऐसे सी, बच गए तुम्हारे 5 मिनट। भैया का लेनो है? अरे बियर उठाइयो, हार्ड ना झेली जाएगी सुबह सुबह। फादरिन लो, इन्हें तो तू ही संभाल भाई। अरे गन्नू बेटा, जयराम जी की। अरे तू जयराम जी की ओटा छोड़ भाई। अरे छोड़ तू यार, एक काम बताया तो तुझे 6 महीने से स्टाफ की सैलरी नहीं आई है। करवा रहा हूँ काम। अरे कल ही आ रहे हैं ना, नरोदपुर आ रहे हैं दाऊ जी। मैं हाँ, मीटिंग है मेरी उनके साथ में, तो मैं बोल करवाता हूँ, कोई दिक्कत ही ना है। जब जला लूंगी मैं अपने आप को। अरे बस कर जानकी, दार उतरन दे जाकी, मैं अपने आप समझा दूंगा इसको। अरे तू कहाँ समझाएगा, तू तो खुद ही एक नंबर को पियक कर ढके। जानकी गन्नू से बात कर रही है तू, थोड़ा इज्जत से बात कर। अरे जो अपने खसम की इज्जत नायक है, हमारी कहाँ से करेगी? दो चार और दे इसमें, ऐसे ना सुधरेगा ये। हमारा काम अर्जेंट है बेटा, ताई तो स्कूल बंद है जाओगे। सही कहिए, सही कहिए दाऊ जी ने कि मैं गधों हूँ, मूर्ख हूँ, जो मेरे इतनी सी बात समझ में ना आएगी। जो बलवंत भैया है ये इंसान ना है, ये धर्मात्मा है, और इन्होंने शराब को ठेको ना है, धर्म खातों खोल रखो है। वहां पे दबके शराब बिकती है, और जय ही बचे है कि इस इलाके से सबसे ज्यादा सरकारी टैक्स बलवंत भैया के ठेके से जाता है। और कहा होता है सरकारी टैक्स थे, कुएं खुदते हैं, सड़कें बनती हैं, बिजली पानी सभी सरकारी टैक्स से आते हैं। और जा चीज में सबसे बड़ा योगदान बलवंत भैया के ठेका को है। मोए तो लगने लगो है जो दारू दारू ना है, जे तो वो है के नाम से विकास की बूटी है जे। और जे विकास की बूटी तो कॉलेज में स्कूल में फ्री में बटनी चाहिए। जे कब करोगे? है जी, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कहाँ बकरा है जी? जगह जगह इसके काउंटर होने चाहिए फ्री में। ये बात मुझे आज समझ में आई कि मैंने ये अनशन करके घोर पाप किए हैं, पर दाऊ जी ने कल मुझे समझाया कि आज से मेरे इस पाप को अंत है और दाऊ जी के पुण्य शुरू है। दाऊ जी ने जो ऐलान करो है कि जब तक इस शहर में दारू कंपलसरी ना है जाए, तब तक पानी को हाथ ना लगाएंगे, सिर्फ दारू पिएंगे जब तक डेथ ना है जाए। भैया आपने रात को मिक्स कर लाई थी बिस्की के बाद, आप चौकीदार की रम भी पेल गए थे। हे भगवान, आज बचाए ले फिर कभी मिक्स ना करूंगा जाए। भैया भाभी आई थी सवेरे। प्रकाश भैया उठो, गन्नू भैया कह रहे हैं घर चल लो है, उठो जल्दी। बड़ा मत। अरे भैया उठो, भाभी आई थी सुबह, घर चल लो है। भाभी सवेरे सवेरे? फंसी भैया उठो, भैया गुस्से आ जाएंगे, चलो जल्दी घर। अरे तुम्हें कहा ईमेल दो, उठो मद्दी भैया उठो। गन्नू भैया कह रहे हैं घर चलो, अकेले नहीं जाएंगे। अरे हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे बोलते हैं जी। भैया देखो एल्बम देखो, ये अनारकली टेंट, अनारकली टेंट, और जी शोले शोले टेंट। भैया भैया जे वाला मस्त है, फाइनल कर दो। हाँ मस्त है बे, अनसन हैरोटा कहती है। चलो मुद्दे की बात तो जे बताओ, पैसे कितने लग जाएंगे? सब फ्री है आपके लिए, सब फ्री। टेंट फ्री, पर टेंट बनवाई के 20,000 और टेंट लगाई के 10 लौंडे आएंगे उसके 10,000। इतर को फबारो फ्री, पर इतर 5,000 को। मंच पे कारपेट फ्री, पर लाने के 2,000 और 2,000 ले जाने के। टेम्पो में तेल डले को 5,000। 50,000 अनशन के बाद पैकअप के, और 25,000 सबको टिप। टोटल कितना आ गया? 7,39,350। इतने पैसे आएंगे कहाँ से? सोल्जर टेंट लगवाते हैं, डाकू की वर्दी में देख के आने वालों की वैसी फटके चौराहे आ जाएगी, उन्हीं से पैसे वसूल कर लेंगे। मैंने तो बस सजेशन दो। मेरा सजेशन, जब दाऊ जी नरोदपुर स्टेशन पहुंचेंगे ना, तो वैसे ही झुंझुनो बजानो जैसे रात भर सिखाया है, ठीक है? आगे बात समझ में? शाबाश निकलो। रुको, झुंझुना ड्रिल सिखा रहे थे बच्चों को रात भर? हाँ पूछ रहे इनते।
दिखाओ का सिखायो ले बेटा बता तुम दिखाओ चाचू चाची पेट से है कौन सी वाली जे वाली जे वाली जे वाली निर्मला ये तो कितनी अच्छी खबर है अच्छी खबर जे ना है कि मैं पेट से हूँ अच्छी खबर जे है कि तुम्हारी अम्मा भी पेट से है डॉक्टर ने बताया कि इनका भी दूसरा महीना चल रहा है ना उम्र का लिहाज ना बिरादरी की चिंता कैसा लगेगा जब अगल बगल बिस्तर पे साथ साथ सास बहू अच्छा चलेंगी कछु रास्ता ना है बचो बंद जे अंजन ऐसे कैसे बंद कर देंगे अंजन जान देने भी तो लिए जान की वैसे भी कहाँ करती वो छेदीलाल बच्चों के दूध के पैसे तक चुरा के शराब पीने पहुंच जाता था तिल तिल के बच्चों को मरते हुए देख रही थी वो हर रोज और जे शहर भरा पड़ा है ऐसी औरतन से तुम्हारे अनशन में इन औरतों को अपने बच्चों की जिंदगी दिखाई देती है गन्नू कैसे बंद होने देंगे जे अनशन मैंने अपने बच्चा के मारे शुरू करो मैं बस इतना चाहता था कि मेरा बच्चा सर उठा के कह सके कि बाको बाप बड़ो आदमी बस बड़ो आदमी वो होता है जो खुद पे भरोसा करे जहां पे दूसरों का भरोसा टिका हो वो आदमी आदमी नहीं रहता भगवान बन जाता है और भगवान को कोई हक ना है कि वो दूसरों का भरोसा तोड़े जानकी तब सच में मर जाएगी गन्नू जब उसका भरोसा मर जाएगा जीतना बेटा जीतना सब ठीक तो है ना ठीक तो कहाँ ही है दाऊ जी क्या होगा इतने साल है दाऊ जी प्रमोशन आई हुई इनकी अरे है जाएगी टाइम आने पे दाऊ जी कब आएगा जो टाइम चार साल है गया निर्मला ने बच्चा ना होने दिया कहती है निकम्मों को हक ना है औलाद होने को बेटा गन्नू सारे बल्ड की लुगाइयां अपने मर्द को निकम्मा ही बोलती है वहां प्रॉब्लम का है अगुन जी है दाऊ जी इस बार भाभी से चूक है गई निर्मला पेट से अरे बेटा गन्नू ये तो खुशखबरी की बात है बहुत शुभ समाचार है तो आज मैंने कह दी मोए कॉर्पोरेटर बनाएंगे दाऊ जी चार साल में पहली बार तो पेट थे हुई है कछु ना है बोलता तो बच्चा गिरा देती से कैसे गिरा देती मर गई थी क्या तू बनेगा अब जगोदर को कॉर्पोरेटर गन्नू कुमार कॉर्पोरेटर और जे इनाम होगा दाऊ जी की तरफ से थोड़े जे खुला किस्मत का ताला आए रहो नंद को लाला इसकी थी आपकी मार ये छोटे भाई के जैसा समाल है इसकी बहन को गाली दी ना तूने इस समझ ले अपनी बहन को गाली दी मादर बहन को माफी मांग जाके इसके नाक रगड़ इसके पैर रे नाक रगड़ मार माफी मांग मादर मादर माफी मांग गन्नू गन्नू माफी मत करियो बेटा माफी मांग माफी मांग साले बाबू जी चाहे जो हो जाए जय हंसन अब ना रुके कितने केस लगे हैं इस पे कितने केस लगे इस पे धारा 426 लोगों को भड़काने और अराजकता फैलाने को आरोप 441 सरकारी शराब की ठेकों पर तोड़फोड़ सरकारी संपत्ति को नुकसान 390 शराब के ठेकों पर शराब की चोरी 153 समाज में भेदभाव और दंगे भड़काने को आरोप 306 और 311 भी लगा दे केस ने एक निर्बल निर्धन औरत को गलत रास्ता दिखा के आत्मदाह करने पे मजबूर किया।